मैं हूं आपके साथ प्रिया। आज के बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबरों से। अवैध शस्त्र की फैक्ट्री का भंडा फोड़ कर दो अभियुक्तों को दबोचा। फरुखाबाद अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडा फोड़ करते हुए थाना कंपल पुलिस व एसओजी टीम ने दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। ये जानकारी पुलिस अधीक्षक असोर कुमार अशोक कुमार मीणा ने फतेहगढ़ स्थित पुलिस लाइन सभाकर में प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि थाना क्षेत्राधिकारी कायमगंज के नेतृत्व में बीते दिन कल 30 जनवरी को रात्रि 8 बजे नंगला नैन थाना कंपील में छापामारी कर अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इस अभियान में 15,000 का इनामी भूरे शर्मा व साथी सतीश इनामी भूरे शर्मा व साथी सतीश शर्मा सिरसा थाना कंपील को दबोचा गया, जिनके पास से पुलिस ने 6 अवैध देसी तमंचा, 3 जिंदा कारतूस, 12 बोर, 2 अवैध देसी तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 1 मिस कारतूस, 2 अधबनी नाले, 315 बोर, 1 मिस कारतूस, 32 बोरे के साथ साथ अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं। इन अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कंपील में 15 मुकदमे पंजीकृत हैं। सर, एक शस्त्र फैक्ट्री पकड़ी, क्या मामला है पूरा और किस तरीके से इनको पकड़ा गया है, कहां ये लोग सेल आउट करते थे, कितने हथियार प्रतिदिन बनाते हैं? ये थाना कंपील एसओजी टीम और सर्विलांस टीम के द्वारा सीओ कायमगंज के नेतृत्व में एक शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा किया गया है, पकड़ी गई है। इसे 30 तारीख को नंगला रेंज थाना कंपील क्षेत्र के अंतर्गत रात को 8 बजे करीब पकड़ा गया है। जो हमारी इंटेल सूचना के आधार पर इस शस्त्र फैक्ट्री को पकड़ा गया है और इसमें जो अभियुक्त पकड़ा गया है वो पहले से ही शस्त्र फैक्ट्री में के आधार पर जो गैंगस्टर था उसमें 15,000 का जो इनामिया था अभियुक्त भूरा, उसके साथ में उसका साथी अभियुक्त सतीश पकड़ा गया है। अभियुक्त भूरा पे 15,000 का इनाम था और इनके पास से जो 6 अदद नाजायज देसी तमंचा 12 बोर और 1 अदद देसी जो आपका तमंचा है 315 बोर वो बरामद हुआ है। साथ ही साथ जो कारतूस हैं और जो शस्त्र बनाने के अवैध शस्त्र बनाने की जो उपकरण है वो इनके पास से बरामद हुए हैं। ये पहले भी इस तरह के जो अपराध उसमें जा चुके हैं। भूरा के ऊपर कुल 11 मुकदमे हैं जो हमारे जनपद के हैं, साथ ही साथ जो सतीश है उसके ऊपर कुल 4 मुकदमे हैं। इनके द्वारा जो शस्त्र हैं वो बनाए जाते हैं और अच्छे दामों पर ये कासगंज के अंदर, एटा के अंदर भी इनके द्वारा सप्लाई की जाती है। हमारी टीम के द्वारा ये भी पता लगाया जा रहा है कि जो इनके द्वारा शस्त्र बनाने में जो पाइप और अन्य उपकरण यूज में किए जाते हैं, साथ ही साथ जहाँ से कारतूस प्रोक्योर करते हैं वो किस जगह से किए जाते हैं, और इस बार उनके बारे में जानकारी करके उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, उनके खिलाफ भी गैंगस्टर की कार्रवाई इसमें अमल लाई जाएगी। कंपील थाना क्षेत्र में पहले भी कई शस्त्र फैक्ट्रियाँ पकड़ी गई थी, तो क्या ये हब बन गया है इस चीज़ का कि हथियार वहाँ बनते हैं और फिर सेल आउट होते हैं, क्योंकि बॉर्डर का एरिया है ये, वहाँ का जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो कुछ ऐसा है कि वो कंट्री बेल्ट है और लगातार इसलिए हमारी पुलिस के द्वारा उस क्षेत्र के अंतर्गत लगातार जो इंटेल गैदर की जाती है और जैसे ही इन चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है लगातार उसमें कार्रवाई की जाती है। और आपने देखा होगा कि पिछले 2 साल में लगातार वहां पर जितने भी पुराने अभियुक्त जो इन चीज़ों में शामिल थे और या नए लोग जो कि इन चीज़ों में शामिल थे उन पर लगातार पुलिस ने कार्रवाई की और गैंगस्टर की कार्रवाई की और काफ़ी अच्छी कार्रवाई की और ये कार्रवाई लगातार चलती रही। सर, अच्छे कार्य के लिए पुलिस को क्या इनाम देंगे? हाँ, इसमें जो हमारी टीम है उसको 10,000 का इनाम हमने दिया है, जो कि कुल हमारे जितने भी गैंगस्टर में अभी 4 जो वांछित थे उनको अरेस्ट किया गया है, साथ ही साथ 1 जो शस्त्र फैक्ट्री उसको पकड़ा गया है। थैंक यू सर। बांदा के सुप्रसिद्ध बालाजी हनुमान मंदिर करिया नारा के पास बांदा में रामचरितमानस अखंड पाठ के बाद विशाल भंडारा का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दराज से चलकर आए श्रद्धालुओं ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया।
इस अवसर पर धर्मेंद्र कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे। जी, मेरा नाम विजय नामदेव है, मैं बागपत रहने वाली हूँ। यहाँ पर श्री बालाजी हनुमान जी की मंदिर करिया नारे में यहाँ पर अखंड रामायण का रामचरित मानस पाठ हो रहा है, भंडारा हो रहा है। तो यहाँ पर 30 जनवरी को यहाँ पर स्टार्टिंग हुई थी, जिसका समापन आज हुआ है। आज 31 जनवरी है, तो आज यहाँ पर भंडारा हो रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत धूमधाम से यहाँ पर भंडारा हो रहा है, भक्तगण आ रहे हैं और प्रसाद ले रहे हैं। और अभी ये प्रोग्राम कब तक चलेगा, ये भगवान की इच्छा की। क्या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए थे? जी, सांस्कृतिक कार्यक्रम तो नहीं हुआ है। यहाँ पर सुबह मॉर्निंग में कथा हुई है, कन्या भोज हुआ है, बस इसी से रिलेटेड। जैसे लगभग कितने श्रद्धालु आए हैं यहाँ पर? यहाँ पर समथिंग भाई, अभी तो मैं जब से आया तब से मैं देख रही हूँ 500 समथिंग हो चुके हैं। अच्छा अच्छा, अब जब तक शाम हो रही है तो शायद तब तक और भी आ जाए। एक्सयूवी और ऑटो की आमने सामने की भिड़ंत में 2 की मौत, 6 लोग गंभीर रूप से घायल। राहगीरों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को पहुंचाया जिला अस्पताल। ट्रॉमा सेंटर, तेज रफ्तार और ओवरलोड सवारी वाहनों में आए दिन होती है दुर्घटनाएं, जाती है लोगों की जान। मामला देहात कोतवाली अंतर्गत पचनीही गाँव के पास का है। देहात कोतवाली क्षेत्र में क्या मामला है? कोतवाली देहात क्षेत्र अंतर्गत पचनीही के पास एक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें एक टेम्पो में एसयूवी से टक्कर लगी, जिसमें टेम्पो में सवार 9 व्यक्ति में से 8 व्यक्तियों को चोट लगी, जिसमें 2 की मृत्यु हो गई और 6 घायल। तत्काल सभी को जिला अस्पताल लाया गया है, परिजनों को सूचना दी गई। जो मृतक हैं दोनों, उनको मॉर्चरी भेज दिया गया है पोस्टमार्टम के आगे विधिक कार्यवाही के लिए, और बाकी का इलाज किया जा रहा है। आगे की जो भी विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी। किन गाड़ी में भिड़ंत हुई मैडम? ये एक एक्सयूवी है और एक टेम्पो है, इन दोनों के बीच में टक्कर। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है मैम, कैसे यह घटना हुई होगी? प्रथम दृष्टया देखने पर तो ये लग रहा है कि आमने सामने की टक्कर है, दोनों जा रहे थे, एक्सयूवी भी नहीं बैलेंस हो गया है और टेम्पो भी टक्कर हो गया। थैंक यू। सिद्धार्थनगर में सपा महासचिव सौमित्र प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर विवाद बयान देने पर उनका शव यात्रा निकाली गई। डुमरियागंज में मौर्य सम्मान वाहिनी में प्रदेश अध्यक्ष चंद्रिका प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में सौमित्र प्रसाद मौर्य का न सिर्फ शव यात्रा निकाली गई, बल्कि उनका पुतला दहन भी किया गया। आपको बताते चले कि सपा नेता के रामचरितमानस पर विवादित बयान पर सिर्फ मौर्य समाज ही नहीं बल्कि हिंदू परिवार आहत है, इसलिए उनका जगह जगह विरोध हो रहा। मौर्य सम्मान वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रिका प्रसाद मौर्य ने कहा कि रामचरितमानस को हमारा समाज सनातन समाज की आस्था है और सौम्य प्रसाद मौर्य उसका विरोध कर रहे हैं, इसलिए मौर्य समाज उनका बहिष्कार करेगा। सपा के राष्ट्रीय महासचिव सौम्य प्रसाद मौर्य जी का जो है सो यात्रा निकाली और उनका पुतला दहन किया है, क्या मामला है? मैं चंद्रिका प्रसाद मौर्य समाज का वाहिनी के अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष है। हम लोगों ने इसलिए निकाला कि माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो अखिलेश यादव जी के बहकावे में आकर रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथ के बारे में जो इन्होंने गलत बयानबाजी किया है, उसके लिए हमारा समाज और पूरा सनातन धर्म इनका विरोध कर रहा है। अगर ऐसे हरकत से अगर ये नहीं बाज आए तो हम लोग चेतावनी उनको देना चाहते हैं कि आने वाले समय में पूरे प्रदेश में इनके खिलाफ विरोध धरना प्रदर्शन करेंगे। आज डुमरियागंज में क्या कार्यक्रम किया गया? आज डुमरियागंज में कार्यक्रम ये हुआ कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी का पुतले का दहन किया गया, शव यात्रा निकाल कर उनके पुतले का दहन किया गया। आज स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध करेगा। अगर इस सिद्धार्थनगर जनपद में अगर वो आएंगे तो उनको घुसने नहीं दिया जाएगा। ये मेरा मौर्य समाज संकल्प लेता है कि अगर वो अपने हरकत से बाज नहीं आए तो इस जनपद में उनको घुसने नहीं दिया जाएगा। जनपद मुख्यालय पर अचानक पुलिस अधीक्षक द्वारा पूरी टीम सहित मुख्यालय की सड़कों पर सघन चेकिंग प्रारंभ की, जिसमें 2 पहिया वाहन चालकों द्वारा हेलमेट न लगाए जाने तथा सीट बेल्ट न लगाए जाने और नगर की फुटपाथ की दुकान पटरी के किनारे तक रखकर अतिक्रमण करने के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक अजीत सिन्हा द्वारा कहा गया था कि अभियान निरंतर चलता रहेगा। एसपी ने कहा कि सड़क पर चलने के दौरान यातायात नियमों का पालन करें। जनपद में हर वर्ष सैकड़ों व्यक्तियों की
असामयिक मृत्यु सड़क हादसे में हो जाती है। थोड़ी सी सावधानी बरतकर हम लोगों की जिंदगी बचा सकते हैं। दो पहिया वाहन चालक व बैठने वाले लोग हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें। चार पहिया वाहन चालक और सवारी सीट बेल्ट का प्रयोग करें। शराब पीकर वाहन न चलाएं, सड़क पर स्टंट बिल्कुल ना करें। वाहन चालक वाहन चलाते समय गति सीमा का ध्यान रखें और ओवर स्पीडिंग न करें। वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात न करें। उन्होंने कहा कि दो पहिया वाहन चालक व बैठने वाले लोग हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें। चार पहिया वाहन और सवारी सीट बेल्ट का प्रयोग करें। शराब पीकर वाहन न चलाएं, सड़क पर स्टंट बिल्कुल भी न करें। नियमों का उल्लंघन कर रहे बाइक सवारों पर रोक दिया जाएगा। साथ ही उन्हें यातायात नियमों का हवाला देते हुए हेलमेट लगाने की बात कही। इसके अलावा बिना सीट बेल्ट के चार पहिया चला रहे लोगों को रोककर उन्हें सीट बेल्ट लगाने की बात कही गई। वाहन चलाते समय गति सीमा का ध्यान रखने का संदेश भी दिया गया। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्या की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हिंदू संगठन ने किया प्रदर्शन। रामचरितमानस का विवादित टिप्पणी एवं उसके प्रति जलाए जाने की मांग को लेकर की कार्रवाई की मांग। हिंदू संगठनों ने सपा नेता पर कार्रवाई की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। स्वामी प्रसाद मौर्य पर मुकदमा लिखे जाने एवं गिरफ्तारी किए जाने की मांग को लेकर आक्रोशित हुए हिंदू संगठन। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 1 जून को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में स्वनिधि योजना को शुरू करने का फैसला लिया है। स्वनिधि योजना के अंतर्गत देश के रेहड़ी और पटरी वालों, छोटे सड़क विक्रेताओं को अपना खुद का काम कर नए सिरे से शुरू करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 10,000 रूपए तक का लोन मुहैया कराया जाएगा। इस स्वनिधि योजना को प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना का लाभ देश के सभी छोटे सड़क विक्रेताओं को उपलब्ध कराया जाएगा। देश में ग्रामीण और शहरी सड़कों के किनारे स्ट्रीट वेंडर जो फल सब्जियां बेचते हैं या रेहड़ी पर छोटी मोटी दुकान लगाते हैं, वे स्वनिधि योजना के तहत सरकार द्वारा 10,000 रूपए का लोन प्राप्त कर सकते हैं। सरकार द्वारा लिया गया यह ऋण रेहड़ी पटरी वाले लोगों को 1 साल के भीतर किस्त में लौटाना होगा। इस लोन को समय पर चुकाने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को 7% का वार्षिक ब्याज सब्सिडी के तौर पर उनके अकाउंट में सरकार की ओर से ट्रांसफर किया जाएगा। देश के जो इच्छुक लाभार्थी इस योजना को लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें इस योजना के तहत आवेदन करना होगा। स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में वेंडर हॉकर, ठेले वाले, रेहड़ी वाले, ठेले फल वाले आदि सहित 50 लाख से अधिक लोगों को इस योजना से लाभ प्रदान किया जाएगा। मुंबईतील माझ्या सर्व बंधू आणि भगिनींना माझा नमस्कार। महाराष्ट्र के राज्यपाल श्रीमान भगत सिंह कोश्यारी जी, मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, विधानसभा स्पीकर श्री राहुल नार्वेकर जी, महाराष्ट्र सरकार के सभी अन्य मंत्रीगण, सांसद और विधायकगण और विशाल संख्या में पधारे आए हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मुंबई के विकास से जुड़े 40,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास यहां हुआ है। मुंबई के लिए बेहद जरूरी मेट्रो हो, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के आधुनिकीकरण का काम हो, सड़कों में सुधार का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो और बाला साहब ठाकरे जी के नाम से आपला दवाखाने की शुरुआत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ संसद के बजट सत्र की शुरुआत हुई। संसद सत्र के पहले दिन दोनों सदनों की संबोधित करते हुए मोदी सरकार के कामों की तारीफ करते हुए राष्ट्रपति ने सरकार के कामों को उपलब्धियां गिनाई।
राष्ट्रपति ने कहा कि ये सरकार बिना किसी भेदभाव के हर वर्ग के लिए काम किए हैं। उन्होंने कहा कि बीते कुछ वर्षों में मेरी सरकार के प्रयासों का नतीजा है कि अनेक मूल सुविधाएं आज या तो 100% आबादी तक पहुंच चुकी है या फिर उस लक्ष्य के बहुत निकट है। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार का स्पष्ट मत है कि भ्रष्टाचार लोकतंत्र का और सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा दुश्मन है, इसलिए बीते वर्षों से भ्रष्टाचार के विरुद्ध निरंतर लड़ाई चल रही है और सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि व्यवस्था में ईमानदार और सम्मान होगा। उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार मुक्त सिस्टम तैयार करने के लिए इकोसिस्टम बनाने की दिशा में बेनामी संपत्ति अधिनियम की नोटिफाई किया गया है। आर्थिक अपराध कर फरार अपराधियों की संपत्ति को जब्त करने के लिए फुगिस्टन इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट को पारित किया गया है। माननीय सदस्यगण, संसद के इस समवेत सत्र को संबोधित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। कुछ ही महीने पहले देश ने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरी करके आजादी के अमृत काल में प्रवेश किया है। आजादी के इस अमृत काल में हजारों वर्षों के गौरवशाली अतीत का गर्व जुड़ा है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणाएं जुड़ी है और भारत के स्वर्णिम भविष्य के संकल्प जुड़ी है। अमृतकाल के ये 25 वर्ष का कालखंड स्वतंत्रता की स्वर्णिम शताब्दी का और विकसित भारत के निर्माण का कालखंड है। ये 25 वर्ष हम सब के लिए और देश के प्रत्येक नागरिक के लिए कर्तव्य की पराकाष्ठा करके दिखाने के, ये हमारे सामने युग निर्माण का अवसर है और हमें इस अवसर के लिए 100% सामर्थ्य के साथ हर क्षण कार्य करना है। हमें 2047 तक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना है जो अतीत के गौरव से जुड़ा हो और जिसमें आधुनिकता का हर स्वर्णिम अध्याय हो। हमें ऐसा भारत बनाना है जो आत्मनिर्भर हो, जो अपने मानवीय दायित्व का पूरा करने के लिए भी समर्थ हो। ऐसा भारत हो जिसमें गरीबी ना हो, जिसका मध्यम वर्ग भी वैभव से युक्त हो। ऐसा भारत हो जिसकी युवा शक्ति और नारी शक्ति समाज और राष्ट्र को दिशा देने के लिए सबसे आगे खड़े हो, जिसके युवा समय से दो कदम आगे चलते हो। ऐसा भारत जिसकी विविधता और अधिक उज्जवल हो, जिसकी एकता और अधिक अटल हो। दो में देश जो इस सच्चाई को जीवंत करेगा तो निश्चित रूप से उस भव्य निर्माण की नींव का अवलोकन और आकलन भी करेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे। यहां पे वे जलगांव में कुंभ कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सीएम योगी लवाना समुदाय के कुंभ कार्यक्रम में सहभागिता करने के बाद आज ही वापस लखनऊ लौट जाएंगे। आपको बता दें कि 25 जनवरी से शुरू हुई बंजारा समाज के कार्यक्रम का समापन होगा। इस कार्यक्रम के जरिए पूरे भारत के बंजारा समाज को एक साथ जोड़ने की कोशिश हुई है। समापन समारोह में सीएम योगी सभा को संबोधित भी करेंगे। महाराष्ट्र में बंजारा समाज के हम कार्यक्रम में सीएम योगी लोगों को संबोधित किए। पूरे भारत के बंजारा समाज को जोड़ने की पहल है। इससे पहले सीएम योगी 28 जनवरी की राजस्थान के जालोर जिले के भीमाल गए थे। शहर आपको बता रहे कि जहां शहर स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर की जीर्णोद्धार प्रतिष्ठा समारोह में शिरकत किए थे। भारत में जन्म लेना बहुत दुर्लभ है और उसमें मनुष्य रूप में जन्म लेना और भी दुर्लभ। हमने विश्व के सबसे प्राचीन धर्म सनातन धर्म में जन्म लिया है, ये गौरव की बात होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म का अर्थ है मानव धर्म। वसुदेव कुटुंब का उद्घोष सनातन धर्म करता है। सनातन धर्म के साथ छेड़छाड़ करना मानवता के जीवन के साथ खिलवाड़ करना है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। आप बने रहे हमारे साथ, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।